नमस्ते, सुप्रभात। मैं अनमोल सिंह, कक्षा 4 से आप सबका आज की इस विशेष सभा में स्वागत करता हूँ। आइए मिलकर करें कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ। सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। वसुंधरानंत है वसुंधरानंत, आकाशानंत क्षितिज आनंद प्रणय अनंत हो, प्रणय अनंत हो, यही विश्व शांति हो। यही आराधना प्रभु से कि विश्व शांति हो। यही है प्रार्थना प्रभु से कि विश्व शांति हो। यही आराधना प्रभु से कि विश्व शांति हो। हमें ये आस दो, हमें विश्वास दो, हमें आस दो, हमें विश्वास दो, हमारी आस्था और मान सदा बुलंद हो, सदा बुलंद हो। नमस्ते, मैं अनीशा, कक्षा 4 से हमारे प्रिय अध्यापक अध्यापिकाओं, प्यारे सहपाठियों और अभिभावक गणों को एक विशेष जन्म दिवस की बधाई देती हूँ। जी हाँ, आज हमारी प्यारी प्यारी भाषा हिंदी का जन्मदिन है। 14 सितंबर 1949 में हमारे संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था और तभी से यह दिन हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज हम इस विशेष दिन पर अपनी पहली ऑनलाइन हिंदी दिवस असेंबली में मिल रहे हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं मौसम का हाल और मुख्य समाचार, परंतु उससे पहले प्रस्तुत है आज का सुविचार। नमस्ते, मैं विराज, कक्षा 2 से आपके समक्ष संत कबीर दास जी द्वारा रचित एक विचार प्रस्तुत करता हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहू शीतल होए। ऐसी वाणी में बात करे कि औरों के साथ साथ आपको भी खुशी मिले। मतलब ये हुआ कि मीठी बोली बोलने से ही दिल जीते जाते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अरैना दीवान, कक्षा 2 से आपको हिंदी दिवस की मंगल में कामनाएं देती हूँ। अब मैं दूंगी मौसम की जानकारी। मौसम का हाल ऐसा है, कभी चमकता सूरज कभी बारिश है, सुबह शाम शीतल पवन करती है हमको मगन। इसका आनंद खूब ले आप, बस यही है आज की बात। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, मैं अयाना, कक्षा 3 से प्रस्तुत करती हूँ कुछ मुख्य समाचार। भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर
पूरे भारत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे सैनिक चीन से हमारी रक्षा के लिए बहादुरी से सीमा पर डटे हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए जो भी आप सावधानी रख रहे हैं उसे जारी रखिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। खेल जगत, क्रिकेट का आनंद लेने के लिए आईपीएल का स्केड्यूल जारी हो गया है। पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, रात में जागता दिन में सोता, रात अंधेरी मेरे बगैर। सोचो सोचो क्या सोचो, मैं हूँ चांद। मैं इस पेड़ में रहता हूँ, तीखी मिर्ची खाता हूँ, जो तुम बोलो वो मैं बोलूं, तुम पास आओ मैं फुर उड़ जाऊं। बोलो बोलो कौन हूँ मैं हूँ तोता। बूझो तो जाने इस लड़के का नाम, बताओ क्या है इसका नाम? राम। बूझो बूझो एक पहेली, एक पहेली। मैं हूँ एक हलवाई, बनाता हूँ मिठाई। एक ऐसी मिठाई बनाऊं जिसके नाम में आए फल, फूल और मिठाई। सोचो सोचो क्या ये पहेली समझ में आई? सोचो सोचो। सही कहा, सही उत्तर है गुलाब जामुन। पैर नहीं है पर चलती रहती है, दोनों हाथों से मुंह पोंछती रहती है, बताओ मैं कौन? घड़ी। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद जैसे भारत के कई महान साहित्यकारों, कवियों व लेखकों ने हिंदी भाषा को अपने सार्थक विचार एवं लेखन से सजाया। इन लेखकों व कवियों ने भाषा के प्रति अपना प्रेम, अपनी लेखनी में जीवन के सभी नवरसों का समावेश करके प्रकट किया। इन नवरसों में से कुछ रसों पर आधारित मजेदार पहेलियों, कविताओं व नृत्य के माध्यम से हम आज अपनी प्यारी भाषा हिंदी के प्रति अपना सम्मान, प्रेम व आभार प्रकट करते हैं। तो तैयार है सब पहेली का जवाब बताने के लिए? यस। ओके, तैयार। बूझो तो जाने, सोचने के लिए तैयार। मैं शुरू करती हूँ। तार है, दूम है, मगर पांव नहीं उसके। सर है, दूम है, मगर पांव नहीं उसके। पेट है, आंख है, मगर कान नहीं उसके। बोलो क्या? ये तो पहेली ही गलत है, बिल्कुल गलत पहेली। प्रश्न गलत। सोचो तो सही। मुझे आ गया, मुझे आ गया। मैं बताऊं? बताओ बताओ। सही जवाब है सांप। क्या बात है, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। बढ़िया, अब मेरी बारी। प्लीज प्लीज, ठीक है, चलिए। नाक पे मैं बैठकर, कान खींचकर तुम्हें पढ़ाऊं, बोलो मैं हूं कौन? नाक पे तो सिर्फ मक्खी बैठती है। नहीं नहीं, सोचो ध्यान से। सोचने का तो काम ही नहीं है, है ना? अरे इतना आसान जवाब है, फिर से बोलो दीपिंदर मैम एक बार। नाक पे बैठ के कान खींच के तुम्हें पढ़ाऊं, ऐनक। सही जवाब।
यू, धन्यवाद। अब पहेली पूछने की मेरी बारी। भाषा है मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बताओ बांग्ला 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 बांग्ला। मुझे आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया। अच्छा भावना मैम को बताने दो। मलयालम। सही जवाब, सही जवाब, मलयालम। अगर आप लिखोगे तो दोनों तरफ से। अच्छा अच्छा, अब बातें बंद, अब मेरी बारी फिर से प्लीज। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, एक बार, एक बार। एक लाठी की सुनो कहानी, एक लाठी की सुनो कहानी, जिसके अंदर भरा है मीठा पानी, बताओ क्या? ये तो बांसुरी है, बांसुरी आंसर है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद है गन्ना। वाह, सही जवाब है, क्या बात है, वाह वाह। नमस्ते, मैं मीरा कक्षा 5 से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। पकड़कर खेलें बच्चे, फिर भी मेरे आंसू ना निकलते, बुझो कौन? सही जवाब, गुब्बारा। ऊंट सी बैठक जिसकी, हिरन सी तेज चाल, वो कौन सा जानवर जिसकी पूंछ ना बाल, बताइए।
सही जवाब मेंढक। नमस्ते, मैं रणवीर कक्षा 5 से और मैं राघव कक्षा 5 से और हम आपके सामने लेकर आए हैं एक हास्य कविता बुफे की दावत, जिसके कवि हैं श्री निरंजन मुखर्जी। आप माने या ना माने, हमारे लिए सबसे बड़ी आफत बुफे की दावत। एक बार हमें भी जाना पड़ा बारात में, बीवी बच्चे भी थे साथ में, सभी के सभी बाहर से शोपीस अंदर से रूखे थे, मगर क्या करे भाई साहब सुबह से भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेश आया हॉल में, भगदड़ सी मच गई पंडाल में, सभी एक के ऊपर एक बरसने लगे, जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी खड़े खड़े बरसने लगे। एक आदमी हाथ में प्लेट लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, खाना लेना तो दूर उसे देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा अपनी प्लेट में चावल की तश्तरी झार लाया था, मगर उससे भी ज्यादा तो अपना कुर्ता फाड़ लाया था। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ के जैसे करनी थी, उसकी आधी साड़ी पनीर की सब्जी में सनी थी, उसे धो रही थी, पड़ोसन की पहन के आई थी इसलिए रो रही थी। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था, इसीलिए कुत्ता उतार कर पहले से ही तैयार था। पांचवा एक पहलवान था, अकेले ही सारे झटके झेल रहा था, भीड़ में घुसने से पहले जैसे कबड्डी का खेल खेल रहा था। छठा इन हरकतों से बेहद परेशान था, इसलिए अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा अपनी प्लेट पे ध्यान था। सातवां तो कल्पना में ही खा रहा था, प्लेट दूसरे की देख रहा था, वो अपना चला रहा था। आठवें का तो मालिक ही रब था, प्लेट उसके हाथ में थी मगर हलवा गायब था। नवा भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, खाना खाने की बजाय अपनी जेबों में भर रहा था। दसवां स्वयं लड़की का पिता था, जिसके आधे प्राण कंठ में अड़े थे, घराती सारे खा रहे थे, बराती सबको पे खड़े थे। देखते हुए ये हालत हम अपनी पत्नी से बोले, डियर लौट चले सही सलामत, बस फिर क्या था। इस बात पर पत्नी बिगड़ गई, बोली किस बुद्धू के पल्ले पड़ गई, इससे अच्छा तो किसी पहलवान से शादी रचाती, तो कम से कम भूखी तो ना मारी जाती। पर इससे शादी रचा कर तो आज तक अपना मन को चोट रही हूँ। जिंदगी में पहली बार किसी दावत से बिना कुछ खाए लौट रही हूँ। धन्यवाद। जहाँ हिंदी भाषा को हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का सबसे सरल तरीका माना गया है, वहीं इसे भारत की संस्कृति की आत्मा भी कहा गया है। आशा है हिंदी भाषा को समर्पित आज की हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। आइए हम सब मिलकर एक और कोशिश करने की प्रतिज्ञा करें कि हम अपने देश के गौरव हिंदी भाषा को प्रेम व आदर के साथ अपनाएंगे और इसे सीखने सिखाने व इसका उपयोग करने में गर्व महसूस करेंगे। जन्म दिवस पर अब की बार आओ दे हम सब उपहार, बोल चाल में करे प्रयोग, हिंदी संचार में करे सहयोग। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय हिंदी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस विशेष सभा के अंत में आइए विद्यालय गान यानी स्कूल सॉन्ग के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद। सुंदर आले
सुंदर आलय है यह विद्यालय श्री राम। बीज लगाए संस्कारों के सींचे पौधे प्यार से हम, फैली सद्गुण की शाखाएं विकसित ये अभिराम। बीज लगाए संस्कारों के सींचे पौधे प्यार से हम, फैली सद्गुण की शाखाएं विकसित ये अभिराम। विद्यालय श्री राम श्री का सुंदर आलय है यह विद्यालय श्री राम। रंग बिरंगे इंद्रधनुष से फूल खिले इस आंगन में, कला संस्कृति देश प्रेम की महक बसी हर कण कण में। मानवता से फलित एतरु देता संवेदना की छाँव, सरल सरस निज मातृभूमि पर है अपने श्री को अभिमान। चर्चा होगी युगो युगो तक विद्यालय श्री राम। विद्यालय श्री राम रंग बिरंगे इंद्रधनुष से फूल खिले इस आंगन में, कला संस्कृति देश प्रेम की महक बसी हर कण कण में। मानवता से फलित एतरु देता संवेदना की छाँव, सरल सरस निज मातृभूमि पर है अपने श्री को अभिमान। चर्चा होगी युगो युगो तक विद्यालय श्री राम। विद्यालय श्री राम श्री का सुंदर आलय है यह विद्यालय श्री राम। श्री का सुंदर आलय है यह विद्यालय श्री राम। विद्यालय श्री राम विद्यालय श्री